उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रामपुर पहुंची। उन्होंने रामपुर रजा लाइब्रेरी में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने इस मौके पर नवाब फैजुल्लाह खां, नवाब रजा अली खां और मुंशी नवल किशोर अवार्ड का वितरण किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान रजा लाइब्रेरी के रंगमहल का हॉल खचाखच भरा हुआ था। आनंदीबेन पटेल ने रंगमहल में अपनी स्पीच के दौरान कहा कि मैंने ऐसी बड़ी लाइब्रेरी पहली बार देखी है। राज्यपाल ने कहा कि पीएचडी के स्टूडेंट भी यहां आकर ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि ये देखने के बाद मेरे मन में एक विचार आया है, ये भव्य ज्ञान पूरे देश में जाना चाहिए। मैंने पहली बार ऐसे चित्र देखे कि पेड़ के पत्ते पर किस तरह पेंटिंग होती है। जिसने भी किया होगा उसके पास कितनी बड़ी कला होगी। अकबर या शाहजहां के समय में ये अद्भुत रचना की गई होगी। तो मैंने ऐसी बड़ी और एक ज्ञान का सागर पहली बार देखा। चुनावी लाइब्रेरी होती है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है, राज्य सरकार की होती है, राष्ट्रपति भवन लाइब्रेरी होती है और अनेक स्थानों पर लाइब्रेरी होती है। लेकिन ऐसे भव्य देने कार्य सफला होगा और इसमें जो मैंने बताया इतनी पुस्तकें इसमें पड़ी है और सालों लाइब्रेरी के सभी सदस्य और निदेशक इसमें कुछ न कुछ दया करते रहते हैं। पीएचडी के स्टूडेंट्स भी इधर आते होंगे और अपना अपना काम करते होंगे। ये देखने के बाद मेरे मन में एक विचार आया और मैं निर्देशन से करते नहीं होंगे। ये भव्य ज्ञान मुझे लगता है पूरे विश्व में जाना चाहिए, पूरे विश्व में जा रहा है। मुझे कई ऐसे चित्र दिखाए, मैंने पहली बार ऐसे चित्र देखे। पेंटिंग तो काफी होते थे लेकिन एक पेड़ के पत्ते के किस तरह पेंटिंग किए गए और जिसने भी पेंटिंग किया होगा उसके पास कितनी भव्य कला होगी। अकबर राजा हो, शाहजहां हो, उसी के समय के जो चित्रावली लिखी है बहुत ही अद्भुत थी और मैंने जो पहली बार एक चित्रावली देखी। कभी कभी हम हमारे ही ऐसी अद्भुत रचनाओं को कहीं ना कहीं सीमित कर देते हैं। जैसे मैं आज बताऊं कि राजभवन में लखनऊ में 7 महीने से रहते लेकिन राजभवन किसी को दिखाते नहीं। राजभवन कैसा है, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसमें क्या क्या पुराने जमाने की कई कई चीजें इसमें पड़ी हुई है,